हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मैं फिर आ चुकी अपने ब्लॉग में और ब्लॉग स्टार्ट करी अभी दिन की 1:30 बजे से। तो दोस्तों, सुबह से वैसे ही काम हुआ, आज संडे था, बहुत सारा काम किया, नहाना धोना, कपड़े स्कूल के बच्चों के कपड़े धोए। तो दोस्तों, आज ना मौसम भी वैसे ही हो रखा, कुछ कभी धूप लग रही और कभी छाल लग रही, कभी बादल आ रहे हुए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ना मौसम दिखाती हूँ, और यहाँ पीछे से ना मेरा लक्की अपने सोले ढोले दिखा रहा है। यह है मौसम आज कुछ इस तरह का, बादल छा रखे हैं और हल्की हल्की धूप भी लगी है, और यह है बाहर का नज़ारा। तो मौसम दिखाने के बाद अभी मेरा दिन का लंच बन रहा है, और लंच में मैंने बना दिया यहाँ पे दाल, ये दाल सौंपी मैंने, अरहर और मूंग की, छिलके वाली मूंग और अरहर की बना रखी, और थोड़ा उसमें मिक्स मसूर भी डाल रखा है। और यहाँ पे बच रखी मेरी सुबह की सब्जी, जो कि आलू गोभी की बना रखी थी मैंने, ये हम खाएंगे भात में। और दोस्तों, यहाँ पे मैं चावल बना रही, अब ये देखो इसमें मैं भात बनाऊंगी। और ये भात मेरा ना कल का बच रखा है, ये फ्रीज में था, और इसको ना मैं ये चावल के ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि वो ताज़ा भी बन जाएगा और बर्बाद भी नहीं होगा, राशन की बर्बाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि शाम को बासी भात कभी हिमांशु खा लेता, कभी लक्की खा लेता, और कल खाया किसी ने नहीं खाया, तो इसका बर्बाद वेस्ट नहीं करते है ना लक्की। और मैं निकाल रही यहाँ से चावल। ये दोस्तों, ये कटोरा चावल रखते हैं, आज टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं नीचे जा दीदी के साथ। और दोस्तों, जो ये मैंने इसमें चावल रख दिए हैं जो ताजे वाले धो के, और इसमें मैं ये बासी भात डालूंगी, और गर्म भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कल का बासी भात भात है, कड़कड़ा नहीं लगेगा और बर्बाद भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रीज में रखा है ना। मैंने प्रेशर में भात भी रख दिया, और इधर मेरी बन चुकी है दाल, और थोड़ा देर में खाने ही वाले हैं, क्योंकि आज संडे था तो आराम से बन रहा खाना भी। और ये लक्की भी गेम खेलने वाला है, इसको भी मोबाइल से है ना लक्की, और लक्की वहाँ पे परेशान हो रहा है, ये देखो नहा धो के चमक रहा हूँ खिड़की में नहीं आ रहा, वैसे ही हो रखा है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को लंच करने के बाद। लकी क्या चाहिए, क्या चाहिए? मोबाइल लकी मोबाइल चाहिए पहले। हाँ लकी क्या चाहिए तेरे को? अरे दो यार। ले तो हम सो के उठ गए, दिन में लंच किया और बर्तन साफ भी नहीं करे, इतने सारे बर्तन पड़ रखे हैं, ये देखो फुल सिंक भर रखा, मेरा मन नहीं कर रहा बर्तन साफ करने का, और अभी करती हूँ मैं, पहले बर्तन साफ करती। और उधर से ना दीदी का फोन भी आ गया, चलो घूमने चलो, बस शाम की वॉकिंग करने, तो जल्दी से बर्तन साफ करना है। और दोस्तों ना 5 बजे तक तैयार। तो दोस्तों, अब मैं ना फटाफट बर्तन साफ करती हूँ इधर, और फिर चाय बनाना, चाय पीना, और फिर चलती हूँ, और हाथ मुँह भी धोना है, मुँह भी नहीं धो रखा अभी तक, बिल्कुल सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, ये देखो मेरे। तो करती मैं फटाफट बर्तन साफ पहले, और फिर फटाफट मिलूंगी मैं आप लोगों को। फूल की तरह दे दो मैं दिन नमस्ते। तो दोस्तों, हम फिर तैयार हो गए घूमने के लिए, शांति वॉकिंग करने के लिए, मैं लेट लगा के ना आज मैं जल्दी तैयार हो गए, 4:30 बजे तैयार हो गया। तो दोस्तों, घर से निकल गए, अब कहाँ कहाँ जाते हैं आज भी आप लोगों को भी ले जाएंगे। नमस्ते, ना कहीं जाए जो बरियात में। अच्छा, तभी तो मैं चंदी खाने लगी। हाँ हाँ, कितनी सारे वो बार रहते ही नहीं रहे। ओ सामने आंटी जी राई काट में दर्द, अभी तो हुई नहीं वो सरसों है।
क्यों निकाल रहे तुम सरसों? ना ना सरसों कट से सरसों क्यों काट रहे? तो दोस्तों मैं आंटी जी को दिखाती हूँ, आंटी जी बोली मेरे को दिखाओ मैं क्या काट रही, मैं दिखाती हूँ सरसों काट रहे, कच्चे सरसों है वो अभी अभी से सुखाएंगे फिर से छेदेंगे तब निकालेंगे। जगह राई जिसे बोलते हैं, तुम ये भी राई है? राई हाँ राई, इसे बच्चों को झाड़ने में मजा आती है, झाड़ भी लगती इसके है। हाँ तो अभी तो कच्चा हो रखा, सुख जाएगा अभी, यहाँ चिड़िया खा जा रही सारी। हाँ तो दोस्तों इधर ना घास भी ले जा रही आंटी और सरसों भी काट रही, हो गया बलिया अभी से हाय हेलो भी कर रही सर, आना का भी कर रही आना हेलो। वो आंटी जी मेरी सहेली है दोनों देखो दोस्तों दोनों के विचार कितने मिलते हैं। मैं ना उपले पर आती हूँ, देखा दे मैं उपकंडे पर आती हूँ, ये यहाँ पे बनाते उपकंडे उपले दिखा रहे दोनों ने एक साथ बोला कि मेरी सहेली है, बोल देखो ले जाने फ्री मिल जाऊंगा मैं फ्री में तेरे को वहां से काट लूंगा। और यहाँ पे है आंटी जी बोली मेरी बहन है, बोले यहाँ पे सगी बहन, आप धनिया निकाल आए होंगे तो। और अंकल जी यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं इस खेत की, बहुत ज्यादा मेहनत का क्या मिलता है ना अंकल जी, बहुत ही दिन रात इसी गार्डन में पड़े रहते हैं अंकल जी, हमको नहीं देखा तभी तो घास काटने आती है। हम घूमने चल गए हैं नीचे रोड से जा रहे हैं, आज दिखाते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। चल आज उधर जाए कहाँ जाओ, बड़े बड़े मकान है, कहाँ है बड़े बड़े मकान? ओ जाओ मंदिर से ये बात जो मानस मंदिर नहीं, ये है यहाँ पे सैनिक कॉलोनी का बोर्ड का फ्लैट के उधर, और हम आ गए इधर नीचे पीपल के पेड़ शनि मंदिर के सामने। यहाँ पे है डाक पार्सल की ऑफिस कंपनी, और यहाँ पे ना सामान लोडिंग कर रहे हो उतार रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ पे देखो। ये है हमारा बणवाला पुल, तो दोस्तों आगे हम इस कॉलोनी से राधा कृष्ण इंक्लेव से और ले जाएंगे आप लोगों को सेवली होके और बन्यावाला गोरखपुर चौक से अपने घर, तो दिखाते हैं इधर के नज़ारे भी आप लोगों को है ना। दो डेढ़ घंटा है हमारे पास, मतलब 5 बजे से आ जाते हैं हम ठीक 6:30 बजे तक, नहीं डेढ़ घंटा अब करने भी टाइम पास कर। और सुबह से तो सुबह उठे झाड़ू पोछा नहाना धोना नाश्ता और फिर थोड़ा से कपड़े धोना धोना वगैरह हो जाता है, और फिर दिन का खाना बनाना और फिर बर्तन धोना और काम भी हो जाते हैं, कभी मेहमान भी टपक जाते हैं इस बीच। और अभी हमारे पास है शाम को चाय पी के थोड़ा से 1-1.5 घंटा का टाइम, और इस घूमने में वॉकिंग करने में समय कट जाता है, और इधर का नज़ारे भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इस ढलान से जा रहे हैं, सुंदर सा नज़ारा है, जंगली जंगल, जंगल के बीच रोड, और सीधा आगे कौन सा फ्लैट है ये? बुड्ढी चौक वाला फ्लैट, बुड्ढी चौक वाले फ्लैट, और इसके बाद आएंगे सेवली गांव। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ को आपको दिखाएंगे इधर का नज़ारा। छी कितना गंदा कर रखा है इधर रास्ता, पता नहीं पैकेट वाला पूरा खाना फेंक रखा। हाँ तो वो दिया गया होगा फिर। तो दोस्तों ये है बुड्ढी चौक वाली फ्लैट, इधर का नाम पता नहीं है उतना खास, और धूप भी अच्छी खिली है आज, 5:15 हो रही है अभी टाइम, तो धूप भी बहुत है अभी है? वो पुला बगल में, और फिर पहुंच गए हम अपने प्यारे सेवली गांव, जंगल के बीच में है, और सुंदर सा ठंडा सा मौसम रहता है इधर का, न ज़्यादा गर्मी ज़्यादा धूप, गेहूँ की हरियाली हरियाली। इधर घूमते घूमते बहुत सुकून मिलता है हमको, ताज़ी ताज़ी हवा मिल जाती है और नज़ारा भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं देखने को। ये अब बीचों बीच गेहूँ खेती के बीचों बीच जा रहे हम,
तो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। ये देखो आउट आउट में तो बच्चे खेल। तो दोस्तों बचपन में हम भी ऐसे ही खेलते थे कबड्डी। सुंदर सा था यहाँ पे ग्राउंड, बच्चों का धूप भी है उसमें और खेल रहे बच्चे शाम को। और यहाँ पे ना होली का दहन बना रखा है बच्चों ने। ये देखो झंडा भी, एक डंडा। दोस्तों यहाँ पे सुंदर सा ग्राउंड है और उसमें धूप भी है हरी और अच्छा ग्राउंड है तो बच्चों को खेलने का, कबड्डी वगैरह खेल रहे बच्चे, कभी फुटबॉल खेलते हैं। और यहाँ पे ना होली का दहन का बना रखा है, ये देखो एक डंडा घेंट रखा है और कुछ लकड़ियाँ ला रखी है बच्चों ने, तैयारी कर रखी है अभी होली का दहन की। और दीदी भी आगे तक चले गई है। और इधर का ये नज़ारा देखो, और दोस्तों ले चलते हैं और आपको आगे। तो दोस्तों इधर पहुंच गए हम ऊपर तक और इधर के नज़ारे भी सुंदर हैं। ये देखो गेहूं की खेती और पास में जंगल, प्यारा सा घना सा जंगल। और ये देखो अब यहाँ पे से लग जाएगी हमको चढ़ाई। तो दोस्तों सामने ही मंदिर दिख रहा भोले बाबा का, जय हो भोले शिव शंकर। और मैं जूम करके दिखाती आप लोगों को। और दोस्तों चलते हैं आगे आगे, कुछ नया चीज़ देखने दिखने को मिलेगी और नया कॉलोनी दिखने को मिलेगी। ये बच्चे खेल रहे इधर, पता नहीं क्या गुम हो गया बच्चों का, ढूंढ रहे ट्यूब गुम हो गया बल हमारा, वो बच्चे बोल पता नहीं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे से चढ़ाई लग गई हमको ठीक ऊपर तक लगी, कितने भयंकर चढ़ाई। तो दोस्तों ये है खड़ी चढ़ाई, एकदम यहाँ पे लग जाती है थोड़ा एकदम। यूँ के डा शीशमा है सागुन शीशम और यूच हाथ सागुन पॉपुलर के डाल सी और है मालू का पत्ते जैसे लग रहे मालू है ना। ठीक है इधर शुद्ध हवा। ओ नीचे बंदर बैठ रखे रोड पे, लेन बार से पूरी रोड में बैठ के रे वो नीचे। और वहाँ ये वाली है रे रिंगाल, बांस का जंगल, ये जंगल है वहाँ बांस ही बांस है नीचे। और देखो दोस्तों पूरा बांस का जंगल है इधर। और दोस्तों हम चढ़ाई ख़त्म करके आ गए आखिरी ऊपर, कौन सा गांव है जाओ प्रगति बिहार है वो। चढ़ाई ख़त्म हो के ये आ गए हम प्रगति बिहार में, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा था ना वो पढ़ के बता रही मैं आप लोगों को। और घूमने वाले भी आगे बहुत सारे घूम रहे इधर। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके ना बन्यावाला लग जाएगा, बन्यावाला से गोरखपुर चौक और गोरखपुर चौक से बड़वाला है। ये नाला भी है यहाँ पे छोटा सा। दोस्तों यहाँ पे बंदर देखो कैसे देख रहे, लुकी ये डरा रहा है ये इतने। हाँ मेरा फोन छीन के ले जाएगा। और एक बंदर ये है केबल के तार हिला रही है, दोनों पीछे पीछे आ गए। सारे जंगल है यहाँ तो बंदर तो होंगे है ना। अरे
रोड ब्लॉक है बनने वाला की रोड आराम से जाए तो दोस्तों पहुंच गए हम अभी बनने वाला शिव मंदिर में जय हो भोले शिव घूमते बनने वाला भी पहुंच गए और इधर भी वही सीन है सुंदर सा गेहूँ की हरियाली और सुंदर वातावरण चारों तरफ का हरा भरा और अब हम ना गोरखपुर चौक पहुंचने वाले हैं थोड़ा सी दूर है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पर ये देखो मेन रोड आते ही कितनी भीड़ हल्ला गुल्ला शोर शराबा ये देखो गोरखपुर चौक की चढ़ाई और यहाँ से हम जाएंगे अपने बडोवाला और मंदिर भी है सामने हर हर महादेव तो हम आ गए अपनी गोरखपुर चौक से आगे होके और टाइम भी ना 6:30 हो गई करेक्ट इतना अंधेरा हो गया हल्का हल्का अंधेरा होने बैठ गया है चलो अपनी साइड चलो जी और आंटी नमस्ते आंटी नमस्ते आंटी भी मिल गई हमको यहाँ पे आज आंटी ब्लॉग में आ गई और दोस्तों आंटी जी मिली वहाँ पे मेरे को और दीदी आगे आ गई मैं थोड़ा सा गप लगाया आंटी दुकान में खड़ी है सामान दे रही और हम चलते हैं अब दौड़ दौड़ के रोड पार करते हैं टाइम भी हो रहा ज़्यादा लीजिए मैम तो दोस्तों यहाँ से ले लिया मैंने सामान ये है मिनी मार्ट चलो घर चलते हैं सामान भी ले लिया लेट भी हो गई दोस्तों पहुँच गए हम घर में अभी ए लकी ओ जा रही आगे जा रही सरिता दीदी ए लकी गेट खोल अभी पहुंच रहे थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया आज जरा मार्ट में गए हैं इसलिए गौरी भी यहाँ पर आ चुकी है मेरे को लेने और लकी भी ए लकी हैं तो दोस्तों ए मेरा हाथ चिपट गया दरवाजे पे हाथ चिपट गया ये नहीं पकड़ दोस्तों आज जरा लेट हो गई और सामान भी लाए ना मार्ट से ये लकी ने मंगा रखा था केला टमाटर और ये ड्राई फ्रूट वगैरह तो लकी ने तेरा सामान चने वगैरह ला गई नहीं लकी को केला नहीं था तो दोस्तों बहुत थक गए हैं बहुत दूर तक गए हैं और अब ना फिर खाना वगैरह बनाना है फिर पहले चाय बनाते हैं सबसे पहले अपना फिर चाय बनाते हैं अब बहुत थक गए थकान बहुत लग गई क्योंकि बहुत लंबा घूमते हैं हम एक तरफ से जाते दूसरी तरफ से आते हैं और अब चाय वगैरह बनाएंगे और इस वीडियो को भी ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं तो इस यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर